टचिंग स्पर्श हैंड्स। फ्रेंड्स, राखी आने वाली है और मुझे अपने सिस्टर को कुछ गिफ्ट देना है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्ले हाउस गिफ्ट करें। और मुझे आपसे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी मिल रही थी कि कार्डबोर्ड का प्ले हाउस बनाओ, सो इसलिए आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये प्ले हाउस फ्रॉम कार्डबोर्ड। फ्रेंड्स देखो ये कितना कूल लग रहा है। टा टा टा, ये लुक एट द इनसाइड। सो फ्रेंड्स, हमने अपने प्ले हाउस के अंदर सारे रूम्स बनाए हैं और उनके अंदर पूरा फर्नीचर भी बनाया है। हाउ कूल इज दैट। सो जल्दी से देखते हैं कि ये कार्डबोर्ड का प्ले हाउस कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स याद है ना, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने हाउस का बेस बनाया है। अब हम इसको चारों साइड से कवर कर लेंगे, ये नीचे एंड टू पीसेस फॉर द साइड। सो फ्रेंड्स, हमने इसे चारों साइड से कवर कर लिया है। सो अब हम बीच की पार्टीशन पेस्ट करेंगे लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, नाउ दैट द हाउस इज रेडी, अब बनाते हैं अंदर का फर्नीचर। सो मेरे फर्नीचर की किट में हमारे टेम्पलेट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कट देम आउट। सो फ्रेंड्स, हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम इन्हें फोल्ड करके पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेयर। सो जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ पे हमें फोल्ड करना है, और जहाँ पे बोल्ड लाइन है वहाँ पे हमें कट करना है। सो फ्रेंड्स, हमारी एक चेयर रेडी हो गई है और ये कुछ ऐसी लग रही है। अब हम बाकी सारे कटआउट्स को भी फोल्ड करके ऐसे पेस्ट कर लेंगे। Now it's painting time. So friends, हमने फ्लोर्स को ब्लैक पेंट कर लिया है और रूफ को ब्राउन। अब हम रैपिंग पेपर के पीसेस ले रहे हैं और उन्हें हम वॉल्स के ऊपर पेस्ट कर लेंगे लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये पार्टीशन बनाई है बिटवीन द बेडरूम एंड द वॉशरूम, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अब हमने किचन का ये शेल्फ बनाया है, इसे हम यहाँ पे पेंट करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम टॉयलेट सीट बनाएंगे, तो हमने पीसेस कट किए हैं, इन्हें हम हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों पीसेस लाइक दिस, और अब ये वाला पीस हेयर। अब हमने पेपर की स्ट्रिप ली है और इसे हम इसके आसपास ऐसे रैप कर देंगे। तो हमने पेपर के स्ट्रिप को अच्छे से पेस्ट कर लिया है, अब हम इस लास्ट पीस को यहाँ पेस्ट करेंगे
अब हम वॉश बेसन बनाएंगे। सो हमने 3 पीसेस लिए हैं और इन्हें हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों चीजों को पेंट कर लेंगे। अब हम फर्नीचर को पेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बेड के ऊपर ये पैटर्न्ड पेपर पेस्ट कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम द बेड शीट। सो फ्रेंड्स, ऐसे हमने सारे फर्नीचर को पेंट कर लिया है। ऑल द चेयर्स, द क्लोजेट, द बेड, द टॉयलेट, सिंक एंड टेबल एंड स्टूल्स। अब हम इन सारे चीजों को हाउस के अंदर फिट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने हाउस को पेंट कर लिया है। सो वी हैव मेड द विंडोज, द डोर, द चिमनी। Now, are you ready to see the inside? Wow! So, हमारा इंटीरियर भी अच्छे से पूरा रेडी हो गया है। अब हम इन सारी चीजों को पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हाउस रेडी हो गया है। अब मैं आपको इस हाउस के डिफरेंट सेक्शंस दिखाता हूँ। सो दिस इज द बेडरूम विद द क्लोजेट एंड द रेल फॉर क्लोथ्स एंड हैंगर्स। दिस इज द बेड एंड दीज आर द टू साइड स्टूल्स। देन वी हैव द वॉशरूम विद द वॉश बेसन, द वॉशिंग मशीन एंड द टॉयलेट सीट। Then we move on to the living room. So living room के अंदर हमारे पास एक table है, 4 chairs and 2 high chairs. फिर this is connected to the kitchen. So यहाँ पे हमारे पास gas stove है and the fridge. And ऊपर we also have the chimney. So friends, आप इन सारी चीजों को अपने हिसाब से arrange कर सकते हो। और अगर आपके पास क्ले है या कोई छोटे टॉयज हैं, तो आप अपने हाउस को डेकोरेट भी कर सकते हो। सो दिस इज द फ्रंट ऑफ द हाउस विद द विंडोज एंड द डोर। सो हमारा कार्डबोर्ड हाउस रेडी हो गया है। नाउ इट्स प्ले टाइम। से बनाओ और इसकी फोटो हमारे साथ फेसबुक पर शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, हैव फन, बी क्रिएटिव, हैप्पी राखी।